अब आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं और साथ ही दिख रहा होगा बेल आइकन, उसे दबाकर नोटिफिकेशन पाएं। दोस्तों यहाँ पर डीडी फ्रीडिश के ग्राहकों के लिए बहुत ही अहम खबर आ रही है। बताना चाहूंगा, यदि आप डीडी फ्रीडिश के उपभोक्ता इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया करके आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बताना चाहूंगा, यहाँ पर डीडी फ्रीडिश की ओर से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन में डीडी फ्रीडिश द्वारा कहा गया है कि जो हमारे ऑथोराइज सेट ऑफ बॉक्सेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, उन्हीं के लिए अब डीडी फ्रीडिश के सिग्नल्स अवेलेबल होंगे, और जो अनऑथोराइज सेट ऑफ बॉक्सेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि कह लिया जाए तो थर्ड पार्टी सेट ऑफ बॉक्सेस जो कंपनीज मैन्युफैक्चर करती है, जैसे कि सॉलिड हो गया, पगारिया हो गया, एसटीसी हो गया, वी जोन हो गए, और भी कई कंपनीज जो चाइनीज मॉडल में तैयार करती हैं, तो उन सेट ऑफ बॉक्सेस में जो है आपके डीडी फ्रीडिश के सिग्नल्स को बंद कर दिया जाएगा। ये मेरा कहना नहीं है, डीडी फ्रीडिश का कहना है, और इसके लिए जो है डीडी फ्रीडिश ने कुछ अपने ही द्वारा दिए जा रहे चैनल्स में स्क्रोलिंग भी शुरू कर दी है। यानी कह लिया जाए तो यहाँ पर जो डीडी फ्रीडिश में आपको चैनल्स देखने को मिल रहे हैं, उन्हीं में नीचे आपको स्क्रोलिंग जो है वो देखने को मिल जाएगी, अचानक से कभी भी आपके लिए शुरू हो जाती है। और इस स्क्रोलिंग में साफ लिखा हुआ है कि जो आपके डीडी फ्रीडिश के ऑथराइज सेट ऑफ बॉक्सेज हैं, उसी में ही डीडी फ्रीडिश के सिग्नल्स आपको मिलेंगे, और जो आपके घर पर अनऑथराइज डीडी फ्रीडिश का बॉक्स लगा हुआ है, जैसे थर्ड पार्टी कंपनी का लगा हुआ है, तो उसमें आपके लिए कभी भी सिग्नल्स को बंद किया जा सकता है। इसलिए कस्टमर जो है वो पहले से ही सतर्क हो जाएं और वह अपने बॉक्स को जो है तुरंत से डीडी फ्रीडिश के ऑथोराइज्ड में बदलवा लें। तो यहाँ पर जो है डीडी फ्रीडिश की ओर से अभी तक कोई भी डेट जारी नहीं की गई है कि आखिर कौन सी तारीख से या कौन से महीने से या कौन से साल से इसमें इससे बदलाव होगा, लेकिन जिस तरह से स्क्रोलिंग शुरू हो गई तो कभी भी हमारे लिए बदलाव हो सकता है। और तो दोस्तों अब बताना चाहूँगा, यदि आपके घर में डीडी फ्रीडिश का बॉक्स अनऑथोराइज्ड है तो कृपया करके आप जो है जल्द से जल्द अपने बॉक्स को बदलवा सकते हैं, और वो आपका डीडी फ्रीडिश का ऑथोराइज सेट ऑफ बॉक्स ही होना चाहिए जिसमें आपको डीडी फ्रीडिश का आगे लोगो देखने को मिल जाए। और यदि आपके घर में जो है ऑथोराइज बॉक्स पहले से ही लगा हुआ है, चाहे वो MPG 2 का है चाहे MPG 4 का है, तो कोई चिंता की बात नहीं है, आपकी सर्विस जो है वो बिना किसी इंटरप्शन के आपको देखने को मिलती रहेगी। यहाँ पर जो है डीडी फ्रीडिश का कहना है कि कहीं ना कहीं जो है हम अपनी सर्विसेज को अपने खुद के लिए ही बनाना चाहते हैं। जिस तरह से प्राइवेट DTH प्लेयर्स आपको डिश टीवी के बॉक्स में डिश टीवी के चैनल्स देखते हैं, टाटा स्काई के बॉक्स में आपको केवल टाटा स्काई के चैनल्स देखने को मिलते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पर जो है डीडी फ्रीडिश के बॉक्स में केवल डीडी फ्रीडिश के चैनल्स देखने को मिलेंगे, और बाकी थर्ड पार्टी सेट ऑफ बॉक्सेस जो है उनमें इसके सिग्नल्स को इनक्रिप्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। यदि आपके मन में भी कुछ सवाल बना हुआ है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में मुझे दे भी सकते हैं। बाकी कृपया करके वीडियो पसंद आए तो कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। डीडी फ्रीडिश की तमाम खबरें पाते रहने के लिए कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ ही में आपको बेल आइकन नजर आ रहा होगा उसे भी जरूर दबा दीजिएगा। नमस्कार।